मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सच गर्स्ट। अभी नहाकर आई थी तो देखो आज मैं क्या लेकर आई हूँ। बहुत सारा देखो, ये लेकर आई हूँ धनिया, सॉरी पुदीना लेकर आई हूँ, धनिया लेकर आई हूँ। तो पता है दो गड्डी लेकर आई हूँ। अब मैं इसको ना छिलके धो के रख लेती हूँ, और इसको धूप में नहीं सुखाना होता, छाया में सुखाओ। इसको सुखाने के बाद दो चार दिन में ना बिल्कुल सूख जाता है ये। फिर मैं इसको ना ऐसे हाथ से कर लेती हूँ, मिक्सी में घुमा लो इसको, एकदम पाउडर फॉर्म में बन जाता है। फिर इसको दही में डाल के अगर आप खाते हो तो बहुत यम्मी लगता है और बहुत टेस्ट भी आता है, और हेल्थ के लिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लिटरली बहुत अच्छी आ रही है। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चला है पिगमेंटेशन चैलेंज? तो चलिए फिर से करते हैं कमेंट। गाइस कमेंट खत्म होने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट दे चुकी हूँ, थोड़े से कमेंट बचे हैं बस एक दो वीडियो के, उनके खत्म होते ही मुझे एक तो डार्क सर्कल का बनाना है आइज़ वाला, और फिर मैं आपके साथ फेस पैक और डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ साथ आप रूटीन डेली का डेली शेयर करना, मेरे साथ फॉलो करना, जैसे जैसे बताती रहूँगी वैसे वैसे फॉलो करना है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, उनके लिए मैं पूरी फुल वीडियो बनाने वाली हूँ। दो वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक में जिन लोगों को आराम मिला है उनके सारे कमेंट लेने वाली हूँ, उन्होंने कैसे फॉलो किया है वो डिस्कस करूँगी, पूरा आपको एक्सप्लेन करके सुनाऊँगी। और एक वीडियो बनाने वाली हूँ पूरा फुल डाइट की, जिनको भी कन्फ्यूज़न है वो मुझसे बोल रहे कि दीदी एक डाइट और शेयर कर लो, तो मैं एक वो भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डाइट के साथ। तो डाइट के रिगार्डिंग पहला जो कमेंट आया था वो था सुनीता देवी का कमेंट है, दी गर्मियों में बीटरूट का जूस पी सकते हैं एंड ओट्स खा सकते हैं क्या? ओट्स की नेचर गर्म होती है या ठंडी? कोई दिक्कत नहीं है, ओट्स बहुत अच्छा है, कोई गर्मी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीटरूट का जूस भी आप पी सकते हैं, ओट्स भी खा सकते हैं बिंदास। देखो आप इतना फ्रूट्स खा रहे हो, इतना फाइबर जा रहा है, इतना सलाद खा रहे हो, इतनी दही खा रहे हो, इतना पानी, तो गर्मी तो होएगी नहीं। कुछ लोगों का तासीर ही गर्म होती है, तो उनको भी अगर इफेक्ट डालेंगे तो वो सीड्स डाल सकते हैं, वो भी फ्लैक्स सीड्स जो गर्म होता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बीटरूट का जूस पी सकते हो, बिंदास पियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है संजना गर्ग का, ने डॉक्टर का काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है, क्रीम यूज़ की है, यूज़ के कारण भी रिजल्ट स्लो हो सकता है क्या? हाँ डियर, देखो क्या होता है ना, एक तो आपको नेचुरली आ गई है पिगमेंटेशन, पर एक आई है आपको किसी कोई केमिकल आपने अप्लाई किया, वो उसकी वजह से आपको पिगमेंट, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पड़ जाएगी। मैंने उसके लिए बोला है पहले भी, मैं कुछ फेस पैक आपको बताऊंगी नेचुरल तरीके से बनाने हैं घर में, उनको आप अप्लाई करना, उससे क्या आपको स्किन को ठंडक मिलेगी। और जैसे आप नेचुरल, आप अंदर से आप वर्क कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में कुछ आप फेस पैक बताऊंगी जो नेचुरल होंगे उसको लगाना है, उससे आपके ऊपर से वो चीज़ वर्क करेगी, तो आपके चेहरे पे ग्लो तो आना ही आना है, तो वो जो ऊपर से आप लगाओगे वो भी आपकी स्किन को बहुत इफेक्ट करेगा। तो ठीक है, तो आप हो गए अंदर से तो आप काम कर ही रहे, साथ में थोड़ा सा आपको ऊपर से काम, तो जिनको भी पिगमेंटेशन ऊपर से आई है कोई क्रीम यूज़ करने की वजह से, कोई केमिकल से रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है, या सन की वजह से कुछ लोगों को आ जाती है, ठीक है, जो भी है, तो कुछ फेस पैक मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरे कमेंट्स खत्म होने वाले हैं तो मैं कमेंट ले रही हूँ, उनको कंफर्म कर दूँ किसी को दिक्कत ना हो, इसके बाद मैं आपको फेस पैक शेयर करूँगी, तो आप उस फेस पैक को लगाना, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। आप ऊपर से वर्क करेंगे फेस पैक, अंदर से आपकी जो आप डाइट ले रहे हैं तो आप कुल मिला के आपकी 100% चली जाएगी, और थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला है Dell811 लिखा है, मैम मुझे पिगमेंटेशन है थोड़ा, कभी कभी फेस बहुत ग्लो दिखता है मैम, पर समटाइम स्किन डल और डार्क दिखती है, पिगमेंटेशन भी कभी कभी लाइट दिखता है, कभी कभी ज़्यादा, अब आपके भी ऐसा होता क्या स्टार्टिंग में? प्लीज़ रिप्लाई मी मैम, एंड फेस फैट भी है मैम। ठीक है, मेरे साथ फिर हसीना शेख का, हसीना खान का भी आ रखा है, इनके नीचे कमेंट आ रखा है, मेरे साथ भी यहाँ मलाजमा का, कभी लाइट कभी डार्क, देखो क्या होता है। फिर डेल, हाँ क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या होता है, जब हमारी जारी होती है कभी कभी वो लाइट लगेगी, कभी कभी डार्क लगेगी, वो नॉर्मल है, वो पहले नहीं होता होगा पर वो अभी हो रहा होगा आपके साथ, जब से आप डाइट ले रहे हो, तो वो धीरे धीरे डाइट कभी दिखेगी, कभी वो रिफ्रेश, आप धूप में थोड़ा चले गए तो आपको डार्क लगेगी, कभी कभी दिन के समय आपको सुबह उठते एकदम क्लीन लगेगा, आफ्टरनून में फिर कालापन, वो नॉर्मल है, इसका मतलब आपकी इसमें इफेक्ट आ रहा है, तो वो धीरे धीरे कम होते 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 गायब हो जाएगी। तो गाइस टाइम लगता है, 6 मंथ लेके चलो, अब आप कितने दिन से फॉलो कर रहे हो वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर हाँ हसीना खान को मैं जानती हूँ, वो कम से कम 2-2.5 महीने से फॉलो कर रही है। गाइस मिनिमम 6 मंथ तक लेके चलो, जो धीरे धीरे जाते आते, अभी आप कमेंट्स पढ़ रहे हो, लोगों के कमेंट्स अब आना स्टार्ट हुए, मैं कब से वीडियो शेयर कर रही हूँ, अब 6-6 महीने सरिता का आ रखा है, रिया चौकर का आ रखा है, एक किसी और का भी आ रखा है, 4-5 लोगों का इफेक्ट 100% आ चुका है, 6.5-6 महीने लाइट फॉलो करी है, तो आप इस लाइट दिखेगी, कभी ये होता ही, मेरे साथ गुजरने का भी था यार, आज सब ठीक हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, नेक्स्ट डे आ रही यार ये तो फिर से बढ़ गई यार, मैं रोज़ पूछती रही, ये आज दिख रही है ना, आज बढ़ गई ना, आज ऐसी होगी, नहीं ये नॉर्मल है,
तो इस बार में कोई स्ट्रेस मत लो, खुश रहो, चली जाएगी। ये आपको लगे इसका मतलब ये स्टार्टिंग हो गई, लाइट दिखना शुरू हो गई, इसका मतलब ये धीरे धीरे जाने की तरफ ही है। बट डाइट बिल्कुल नहीं छोड़नी, डाइट को अच्छे से फॉलो करते रहो, ये 100% आपकी चली जाएगी। ओके, अब है नेक्स्ट जो है शिप्रा जोशी का मैसेज। थैंक्स अ लॉट डियर, डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी 2 मंथ्स ली थी मल्टीविटामिन। ओके, 2 मंथ अगर ले लिए तो अब मत लो, नेचुरल डाइट से लो। फिश ऑयल कैप्सूल भी शायद आपने लिए होंगे, अगर फिश ऑयल नहीं लिए तो 1 महीना फिश ऑयल ले सकते हो, ठीक है। ट्रू बेसिस का आता है, एमवे का है, बहुत सारे हैं, 500 mg का ले लो और रात को लेना है खाने के बाद, लेकिन हैवी डाइट के बाद लेना है उसको, ठीक है। और एक ही कैप्सूल खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना, और 1 महीने से ज़्यादा कैप्सूल्स नहीं खाने हैं, ठीक है। हेमलता चौहान का है, दीदी एक बार पूरी डाइट चार्ट बना दो टाइम वाइज। देखो हेमलता जी, मैंने ना वैसे डियर पहले फॉलो, मैंने जो ओल्ड वीडियो आप देखोगे ना, मेरा रूटीन भी दिखाई देगा आपको, सुबह उठ के योगा करना, एक्सरसाइज करना, वॉक मैंने बनाई भी, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हो। पर हाँ, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं दोबारा से एक बार डाइट शेयर कर लूँ, तो मैं एक बार फिर से पूरा डाइट का एक वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे आजकल मैं 2-2 वीडियो भी डाल रही हूँ, 3 भी डाल रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबके कमेंट ले लूँ। इसके बाद जैसे डाइट का है, फेस पैक पैक वगैरह मुझे बताने हैं आप लोगों से, शेयर करना है जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। डार्क सर्कल का मुझे बताना है वो मैं बता दूँ आपको, और साथ में डेली का रूटीन भी जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस कमेंट जैसे खत्म होते हैं मैं ये सभी शेयर करने वाली हूँ, बस आप वीडियो पे बने रहना, और डाइट को गैप नहीं करना है, डाइट रेगुलर फॉलो करनी है, और मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी चार्ट बना के कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। दोबारा से हेमलता चौहान का प्लीज़, हाँ डियर पक्का पक्का मैं बनाऊँगी, इतनी बार आप प्लीज़ मत बोलो, मुझे भी लगता है यार जल्दी, इसलिए मैं 3-3 वीडियो भी शेयर कर रही हूँ आजकल, ताकि आप लोगों का जो भी कमेंट है और सॉरी, और आप बाकी कमेंट से आप लोग देखते हो, आप वीडियो देते हो तो आप देखा करो, ताकि हो सकता है ऐसी वीडियो में किसी की प्रॉब्लम में मैं बनाती हूँ, 10 लोगों को समझ में आता है उनकी भी इशू, अच्छा ऐसा हो रहा है, लाइट हो रही है, कभी दिख रही, तो इस तरह के इश्यूज अगर एक वीडियो बनाती तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है, ठीक है। श्रद्धा ये भी आया, किसी का दीदी हम सलाद नहीं खाती पर उसे पीस कर जूस बनाकर दिए, मैं अपने पहले भी बताया इसको, लास्ट शायद आपका कमेंट दोबारा है, जूस की कंपैरिजन अगर आप डाइट सलाद खाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे क्या फाइबर आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा। कुटकुर करके, हाय मैम मुझे फार्मूला क्रीम लगाने से पिगमेंटेशन हो गया, क्या करूँ? कुछ भी नहीं करना है, डाइट फॉलो कीजिए, कुछ फेस पैक शेयर करती हूँ आप उनको लगाइए, ठीक हो जाएगा। मिनिमम 6 महीने का, मैं ये नहीं बोलूँगी आपका 1 महीने में 2 महीने में, मिनिमम 6 मंथ का टाइम लेके चलो, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, करना कुछ नहीं है, डाइट फॉलो कर रही है बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसे आप भी फॉलो करो, रिजल्ट आपके सामने मिलेगा आपको। मन्नू वारलिया, मैम कार्ड से पेट में गैस हो जाती है, क्या करूँ प्लीज रिप्लाई। अच्छा, आपको सूट नहीं करती है कार्ड, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज है, किसी चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी है, या किसी चीज़ से दिक्कत होती है, तो आप उसको गाइस छोड़ें, क्योंकि मैं उसके लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप खाओ खाओ, ये ना हो आपको नुकसान करे, ठीक है। कर्ड दही बहुत नेचुरल है, पर आपको पेट में दर्द होता है नुकसान है, तो उसको उसको छोड़ दो, बाकी चीज़ फॉलो करो चलेगा, ठीक है। चलिए बस ठीक है, आज थे इतने ही कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कमेंट के साथ। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पिगमेंटेशन आपका ज़रूर ठीक हो जाएगा, जब इतने लोगों का हो रहा है तो आपका भी जरूर होगा, बट थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।